मेरा दुनिया से केवल इतना नाता, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता, वो जब भी राह में मेरे बाधा लाता है, वो जब भी राह में मेरे बाधा लाता है, मैं उसे ठोकर मार के आगे बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं आसान राह, मैं ठुकरा सकूं आसान राह यूं ही हंसकर किसी से, मैं ठुकरा सकूं आसान राह यूं ही हंसकर किसी से, मेरा इरादा इस तरह पत्थर का मजबूत करो। मैं तूफानों से लड़ता हूं, तुम मेरी मंजिल मत आसान करो। मैं तूफानों से लड़ता हूं, मेरी मंजिल मत आसान करो, क्योंकि मैं राही हूं नेक्सफ का, मैं तूफानों में राह बनाता। तो सबसे पहले नेक्सफ के मेरे परिवार के सभी सदस्यों का आज के इस अवसर पे वर्ष 2022 के एनुअल इवेंट में मैं हिस्टोरिक सिटी जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, इस हिस्टोरिक सिटी में आके हम नेक्सफ के लिए एक नई हिस्ट्री बनाने की नींव रख के जाने वाले हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आए थे, काफी मुश्किल थे, लोगों ने कहा कि भाई ये तो मत इंप्लीमेंट करो, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो मैंने कहा हम नेक्सफ वाले हैं, हम सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते। मैंने कहा नेक्सफ वाले हम सस्ती चीजों का कभी कोई शौक नहीं है, और सही राह पर चलकर सही तरह से गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करके अप्रैल के फोर्थ साइकिल में हमने नेक्सफ के इतिहास का सबसे ज्यादा कजोर करके दिखाया। इसी तरह नेक्सफ का पहला इवेंट हुआ था पुणे में, और तब मैंने ये बात शेयर की थी कि मेरे पिताजी ने कहा है कि दो तरह की राह मिलेगी, एक शॉर्टकट, शुरुआत में आसान लगेगा लेकिन ऐसी मुश्किलें ऐसी बाधाएं आते जाएगी कि आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे, और एक लॉन्ग कट, अगर आप उस पर चलोगे आपको सफर लंबा लगेगा, आपको धीरे चलना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, लेकिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाऊंगा। और शुरुआत से उसी फिलॉसफी के चलकर हम आज यहां तक आए हैं, और हर साल एक नया इतिहास रचते हैं, हर साल एक नई हिस्ट्री हम कायम करते हैं। आप लोगों ने जो पिछले साल दो तूफान आए, एक डेल्टा वेव और एक डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का जो तूफान आया, उन तूफान को हराकर एक इतिहास बनाया, और नेक्सफ का क्लब नेक्सफ के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम इधर करके दिखाया, ये आपने अचीव किया। टीम की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जितने लोग क्वालिफाई होते हैं, केतन प्रदीप ने मुझे बताया कि जनरली जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उससे 15% 20% लोग कम आते हैं, लेकिन इस बार उस एक्सपेक्टेशन को तोड़कर 100% अचीवमेंट हमने अचीव किया, 100% अटेंडेंस हमने अचीव किया, सारे के सारे लोग यहां आए हैं। तो टीम सरप्राइज थी, मैंने कहा सरप्राइज होने की क्या जरूरत है, ये नेक्सफ का जोड़ है, फेविकॉल का जोड़ तो चीजों को जोड़ता है, ये नेक्सफ का जोड़ है, ये दिलों को जोड़। नेक्सफ परिवार का हर व्यक्ति इसमें यकीन रखता है, और हर
नेक्सफ परिवार का हर व्यक्ति इसलिए यहाँ आता, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, यह है बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के लिए खुश होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, यह है सभी को समान अवसर देना, सभी को उन्नति की ओर ले जाना, यह है। कई लोग पूछते हैं आपकी ये क्या एंट्री है, ऐसे नीचे से आते हैं ऊपर जाते हैं, कोई कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई ऐसे रथ में आता है, कोई ऊपर से आता है। मैंने बोला मेरी एंट्री बिल्कुल नेक्सफ की सफर की तरह है, यह आदमी नीचे से आता है और हमेशा ऊपर तरक्की की ओर जाता है। तो यह है नेक्सफ, हमारा धर्म है नेक्सफ और हमारा कर्म है। तो क्या खास बात है इस नेक्सफ से, जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या खास बात है इस नेक्सफ, नेक्सफ की जो खास बातें हैं चार शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो पहला शब्द है कि ये ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, आप रात में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई आर्ट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसी के साथ आप कोई भी उम्र में कर सकते हैं, आप नटू भाई भी बन सकते हैं, आप गुरु लिंगैया भी बन सकते हैं, कोई भी उम्र में आके आप नेक्सफ का बिजनेस कर सकते हैं। तो आप कभी भी नेक्सफ का बिजनेस कर सकते हैं। आपने हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, कौन है प्रवीण तांबे, 41 के एज में उस आदमी ने अपना क्रिकेट का आईपीएल का डेब्यू किया, जिंदगी में कभी उसने कोई मैच नहीं खेली थी। उसी तरह हमारे पास उदाहरण है, जैसे मैंने कहा नट्टू भाई गुरु जी है, थोरा साहब, सांगे साहब, सुमले साहब, विश्वाणी साहब, भैतुले जी मेरे कितने साथी हैं, उम्र के कोई भी मुकाम पर और दिन के कोई भी समय में आप नेक्सफ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है ये बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ये ऑफलाइन कर सकते हैं, आप ये लैपटॉप से कर सकते हैं, आप ये मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये है नेक्सफ की दूसरी खासियत कि आप ये बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं, शुरुआत में कहते थे अरे तुम दुकानों में नहीं है, फिर हमारे स्टॉक पॉइंट्स खुले, फिर कहते थे तुम ऑनलाइन नहीं हो। मैंने कहा न हम ऑनलाइन होना चाहते हैं, न हम दुकानों में होना चाहते हैं, हम तो सिर्फ लोगों के दिलों में होना चाहते हैं, लोगों के घरों में होना चाहते हैं। यह है नेक्स्ट। इसकी शुरुआत हमने ऑनलाइन बिजनेस एक टेक्नोलॉजी के साथ की थी, पूरे विश्व में एमवे के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके साथ इंडिया की इस कंपनी ने शुरुआत की थी, वो है। फिर हमने अपने स्टॉक पॉइंट्स बनाए, अभी लोग उसको फिजिटल कहते हैं, क्लिक एंड मॉर्टर कहते हैं, हमको नाम नहीं पता था, हमको तो सिर्फ ये पता था कि हमारे नेक्सफ परिवार के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा बरकत के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे और बस हम अपने स्टेप्स लेते हैं। तीसरा जो नेक्सफ के बिजनेस की जो खूबी है, कभी भी कहीं भी और कैसे भी कर सकते हैं। आप जैसे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे रॉजर फेडरर टेनिस खेलता है, मोहम्मद अली बॉक्सिंग खेलते हैं, तो आप नेक्सफ में एक इंडिविजुअल चैन रिटेलर बन के भी बिजनेस कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। या जैसे हमारी इंडिया की टीम है या ब्राजील की टीम है, जो टीम बनाकर ट्रॉफी जीतती है, आप टीम बनाकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं और टीम के साथ भी कर सकते हैं, कैसे भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और कोई भी ये बिजनेस कर सकते, जो चौथा पहलू है हमारे बिजनेस का, कोई भी कभी भी
कहीं भी कैसे भी और कोई भी नेक्सस का बिजनेस कर सकता है। या किसी के लिए रोक नहीं है, न या जात है, न पात है, न उम्र है, सिर्फ एक है मेरिट, और सिर्फ मेरिट पर चलता है। आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका में एक छोटा बच्चा था, जब वो 10 साल का था, उसका एक ही सपना था कि वो टीवी पर आएगा। उसे टीवी पर आना था, टीवी पर स्टार बनना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो हकलाता था, स्टैमर करता था। एक बार क्लास में जब टीचर ने सबसे कहा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उस बच्चे ने अपने दिल की बात पेपर पे लिखी और टीचर को उसने सबमिट किया वो पेपर कि मैं बड़ा होकर टीवी पर आना चाहता हूँ। टीचर ने उसे बुलाया, बच्चा खुश हुआ कि उसे स्टार मिलेगा, टीचर उसको शाबाशी दी। लेकिन उसे क्या पता था, टीचर के दिमाग में तो कुछ और ही था। टीचर ने उसे आगे बुलाया और उससे कहा कि तुमने क्या लिखा है। टीचर को पता था कि वो हकलाता है। टीचर ने उससे कहा कि ये तुमने क्या लिखा है, तो बोलने लगा कि जो भी हकलाकर टीवी पर आना चाहता। टीचर ने कहा है, क्या तुमने कभी अपने आप को उस आईने में देखा है? क्या तुम्हारे घर में से कोई आदमी कभी टीवी पर आया है? क्या तुम्हारे खानदान में से कोई आदमी टीवी पर आया है? क्या तुम्हारे शहर से, अपने स्कूल से कोई आदमी कभी टीवी पर आया है? तो इतने हट्टे कट्टे और नॉर्मल लोग टीवी पर नहीं आ पाए, तो तुम कैसे टीवी पर आओगे? दोस्तों, उस आदमी का नाम है स्टीव हार्वी, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठे हर आदमी ने उसका कोई ना कोई इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा होगा। आज उसके 10-20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पर है, और अमेरिका के टॉप 5 होस्ट में वो आदमी आता। और उसने कहा कि सक्सेसफुल होने के बाद जिस टीचर ने उससे कहा था कि तू कभी टीवी पर नहीं आएगा, हर क्रिसमस पर मैं उसको एक फ्लैट स्क्रीन टीवी गिफ्ट करता। इसी तरह नेक्सस कभी किसी को सपने देखने से नहीं रोकता। या हर आदमी आकर अपना सपना पूरा कर सकता है, या हर मनुष्य आकर अपना सपना पूरा कर सकता है। यह है तो कैसे हम सफलता पा सकते हैं नेक्सस बिजनेस? तो क्या है ये तो हम समझ गए कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी और कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। तो फिर क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते? बस कुछ चीजों पर हमें ध्यान देना है, कुछ फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना है। और सबसे पहला फैक्टर है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद में यकीन करो। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक गांव में एक स्कूल था, और रविवार के दिन बच्चों को सूझा कि कुछ चलो मस्ती करते हैं। उन्होंने 3 बकरियों को पकड़ा और उसके ऊपर 1, 2 और 4 नंबर लिखा, और उस बकरियों को पकड़कर, 3 बकरियों को पकड़कर उसके ऊपर 1, 2 और 4 नंबर से पेंट किया, और उन्हें बकरियों को स्कूल में छोड़ दिया। अगले दिन जब टीचर्स और स्कूल का स्टाफ जब स्कूल खुला और स्कूल पहुंचे, उन्हें बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, सब लोग परेशान हो गए और इसकी वजह ढूंढने लगे। और कुछ देर बाद उन्हें वो 3 बकरियां मिल गई, 1, 2 और 4। लेकिन वह सब परेशान हो गए कि वो 3 नंबर की बकरी कहाँ है, और पूरा स्कूल वो 3 नंबर की बकरी ढूंढने में लगे। पूरा दिन वो 3 नंबर की बकरी ढूंढने में लग गए। सब परेशान थे कि 1, 2, 4 तो मिल गई, 3 नंबर की बकरी कहाँ है। पूरा दिन गुजर गया, बकरी मिली नहीं, क्योंकि बकरी थी ही नहीं। उन्होंने अगले दिन छुट्टी दे दी और फिर से बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़े। बच्चों को तो अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वह अपनी बकरी ढूंढने में रहे। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में हम भी 1, 2, 4 को छोड़कर 3 नंबर ढूंढने में बिजी रहते हैं और अपने आप में यकीन नहीं करते। जो अपने आप में है उस पर यकीन करो, बिलीव इन योरसेल्फ। जो नेक्स्ट के पास है उस पर यकीन करो, बिलीव इन नेक्स्ट।
मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास माँ है ना। बिलीव इन योर, अपने आप में यकीन। जो दूसरा फैक्टर है पॉजिटिव एटीट्यूड। आज 1800 लोग यहां आए हैं अचीव करके। इनके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आए थे, इनके लिए भी डेल्टा वेव आई थी, इनके भी घरों में शादी होती है, इनको भी कहीं ना कहीं न्योता आता है, लेकिन इन्होंने सब पे जीत पाता। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, अपने लक्ष्य पर निगाह रख के, फोकस करके इधर तक पहुंचे। आपको और एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं शार्क टैंक देखता हूं, मुझे पता नहीं आप लोग शार्क टैंक देखते हैं या नहीं, मुझे काफी दिलचस्प लगता है ये कार्यक्रम। तो मैंने कुछ हफ्ते पहले उसमें एक लड़की को देखा, एरिका नाम की लड़की थी। सब उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था और एक दिन उसके कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में उसके एक पाव टूट गया और वो अपाहिज हो गया। अपाहिज होने के बाद उसे कपड़ों का बहुत शौक था और जो मार्केट में जो भी ब्रांड्स थे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, वो जो कपड़े बनाते थे अपाहिज को, डिसेबल पीपल पहन सके, ऐसे कपड़े नहीं बनाते थे। लेकिन एरिका ने हिम्मत नहीं हारी, अपने डिसेबिलिटी को, अपने नेगेटिव को उसने पॉजिटिव में बदलकर, उसे वस्त्र बनाकर, अस्त्र बनाकर, वस्त्र बनाने का व्यवसाय उसने शुरू किया और उसने खुद नो लिमिट्स के नाम से अपाहिज लोगों के लिए वस्त्र बनाने का कंपनी चालू किया और शार्क टैंक पे उसे $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट मिली। तो ये है पॉजिटिव। लोग हालातों से डर जाते हैं, हालातों से हार मान जाते हैं कि आप सोच सकते हो आपकी अगर एक टांग नहीं होगी, मेरी दोनों टांगे हैं तो भी मेरी बीवी परेशान रहती है कि तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते हो। सोचो एक टांग नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन वो भी गुस्सा हो सकती थी, वो भी हार मान सकती थी, लेकिन उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और उसने ना बोलने वाले को, नेगेटिव लोगों को हरा दिया। सो बी पॉजिटिव। और जो तीसरा फैक्टर है, एंजॉय द जर्नी। ये जो सफर है इसका आनंद। अक्सर हम मंजिल पाने के जुनून में सफर का मजा ही खो लेते हैं। आप देखिए नेटसर्फ के इस सफर में मेरे जो साथी मेरे साथ हैं, केतन, प्रदीप, लक्ष्मी, केदार, शरद, हमारे जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसा भी जिनका नाम लिया मैंने, हम जब हमने शुरुआत की थी, पेपर पे हमने ट्री बनाया था और 40 लोगों का पहला सेमिनार लिया था, तब भी उतने ही खुश थे। पहला बड़ा इवेंट किया था जब 1,000 लोग आए थे, तब भी उतने ही खुश थे। और आज जयपुर में आके जितना टर्नओवर नहीं था उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आज भी उतने ही खुश है क्योंकि हमने हमेशा सफर का मजा लिया। मंजिल मिलती गई लेकिन सफर का मजा लेना था। मैंने हार्दिक पांड्या का एक वीडियो देखा था, उसने कहा कि MS धोनी और रोहित शर्मा, इनमें क्या खास बात है। इनमें खास बात यह है कि इन्हें सेकेंड नंबर आना अच्छा नहीं लगता, इन्हें सेकेंड नंबर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इन्हें सिर्फ फर्स्ट आना। लेकिन अगर ये कभी सेकेंड आए तो इन्हें बुरा भी नहीं लगता, ये लोगों को दोष नहीं देते, ये अपने काम का फिर से एनालिसिस करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और फिर से अच्छा करने का ध्येय रख के जीरो से शुरुआत करते हैं और फिर से नंबर वन बनते हैं और इसी तरह सफर को एंजॉय करते हैं। Enjoy the journey। तो अगर आप ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाओगे तो क्या होगा,
हम बायोफिट के जरिए उनके फसल के सेहत का ख्याल रखेंगे, नेचुरल मोर के जरिए हम उनके शरीर के सेहत का ख्याल रखेंगे, हर्ब्स एंड मोर और रंदे के जरिए उनके त्वचा के सेहत का ख्याल रखेंगे, बायोफिट के जरिए उनके घरों के सेहत का ख्याल रखेंगे और ये उनकी और सेहत देकर हमें बरकत मिलेगी और मुस्कुराहट सभी में मिलेगी। सेहत, बरकत और मुस्कुराहट आके और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें नेक्सा पहुंचाना है। कुछ लोग हमारे साथी बनेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, इस मिशन में जुड़ जाएंगे और बाकी लोग हम उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, उनको उनकी समस्या का हल देंगे और अपने घर में दिया जाएगा। और ऐसा ही नेक्सा का बिजनेस जो एक आम आदमी देश की जरूरतें पूरी करने के लिए करता है, हमें घरों घरों तक पहुंचा। हमारा मिलना एक संयोग था, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो क्या आप मेरे साथ खड़े रहेंगे? Yes! तो क्या आप मेरे साथ हमेशा चलते रहेंगे? Yes! तो कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है आपके लिए, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे तुम चले चलो, कि बढ़े चलो, आगे तुम चले चलो। संघर्ष का मैदान में छोड़ो तुम, डटकर चट्टान से खड़े रहो, साथी तुम बढ़े चलो। ऊंचा हिमालय यूं ही एक कदम से ना चढ़ा कभी, ऊंचा हिमालय यूं ही एक कदम से ना चढ़ा कभी, सांसों में दृढ़ निश्चय भर के हौसलों में उड़ान भरो, साथी तुम चले चले, साथी तुम बढ़े चले। मैं साथ कभी ना छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं साथ कभी ना छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, यही बिजनेस करेगा अगला जनरेशन, ऐसा अपना इरादा है। मैं साथ कभी ना छोड़ूंगा, मेरा तुमसे वादा है, यही बिजनेस करेगा अगला जनरेशन, ऐसा अपना इरादा है। तो मेरे साथ एक बार हो जाए नेक्सा, बढ़े चलो, चले चलो। जय हिंद, जय नेक्सा।